हेलो भाई, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और आज के इस संडे सेशन के अंदर थोड़ा सा मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ताकि आप इस मार्केट का फ़ायदा उठा सकें इंस्टेड ऑफ बीइंग सिटिंग इन पैनिक। और ये भी बहुत लोगों ने उम्मीद लगाई है कि भाई प्राइस इससे भी नीचे आ जाएगा, तो और अगर इंतज़ार करोगे कि भाई मार्केट और नीचे आ जाएगा और उसके अंदर हम लोग बाय करेंगे, तो देखिए पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, नेवर नो इन क्रिप्टो मार्केट क्या हो सकता है और आगे के महीनों के अंदर सिनेरियोज क्या बनता है वो भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए दो सिनेरियोज हमारे पास बन रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खुद बताइए कि आपको क्या लगता है BTC कितना नीचे जा सकता है, क्या 35,000 तक जा सकता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि शायद, कन्फर्मेशन नहीं होगी। क्यों? बिकॉज यू ऑल्सो नो कि बिटकॉइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और अगर इसने यहाँ से बाउंस बैक ले लिया तो इसकी जो प्राइस है अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि देखिए यहाँ पे सिनेरियोज जो हैं वो दो तरह के काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और रिस्क जो है अगेन कम है, रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने 3 डे का BTC चार्ट ओपन किया है और बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो मैं आपको पहले दिखा, ऊपर का सिनेरियो समझाता हूँ क्या है। 1 डे का भी मैं कर सकता था लेकिन 1 डे का हम करते हैं तो क्या है, बीच में नॉइज़ बहुत आती है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो 1 डे का किया है तो बीच में ऐसे ऐसे नॉइज़ आ रहे हैं, हमें स्मूथनेस नहीं मिल रही है चार्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे नॉइज़ हटाने के लिए 3 डेज़ के अंदर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे चार्ट काफ़ी परफेक्ट दिख रहा है। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो है ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, ओके, और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है जब भी इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो पहली एक जो पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये यहाँ पे टच कर रहा है, एक बाउंस बैक ले सकता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, इसको मैं क्या करता हूँ और पीछे से खींचता हूँ, अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, ये नीचे से, और फिर भी हम देखेंगे तो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बताया है, फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस बताया है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, देन अगेन सपोर्ट की तरह यहाँ पे ऐड कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि चलिए मूविंग एवरेज भी देखते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज क्या बताता है। तो ये आप चार्ट को खुद भी देख सकते हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जो प्राइस है 50 मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ आया है इन 3 डेज ऑफ चार्ट, 30% के आसपास आया, 35% के आसपास आया हुआ है, ओके। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइस उस हिसाब से ये नीचे आया था और अगेन ये प्राइस यहाँ से आप देखोगे तो लगभग कह सकते हैं कि 20-25% ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे 35% का हम इंतज़ार करें, तो देखो कर भी सकते हो, बट वाई वी आर कंसिडरिंग दिस लेवल कि ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस देन सपोर्ट, और यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस है देन यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये जो लेवल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि पहले भी जो प्राइस था ये 40 को तोड़ने में बहुत जद्दोजहद कर रहा था, नहीं तोड़ पा रहा था, तोड़ा तो अच्छा खासा ऊपर गया और नीचे भी यहाँ पे जब तोड़ा तो नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर आने की कोशिश की नहीं तोड़ पा रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था नहीं तोड़ पा रहा था, गया नीचे आ रहा था वापस यहाँ पे सपोर्ट मिला, ठीक है। तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिमिलरली एंट्री पॉइंट 2 ये जो है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि सपोज करो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर मैं एंट्री अभी लेता हूँ स्पॉट के अंदर कि ठीक है ये लेवल से हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, और इन केस अगर प्राइस सपोज करो यहाँ से ऊपर नहीं आता है और प्राइस अगर नीचे आता है तो हमारी जो नेक्स्ट एक एंट्री होगी, ठीक है, एवरेज आउट जो हम DCA कहते हैं वो होगी एंट्री पॉइंट नंबर 2 जो नियर अबाउट 29,000 से 30,000 के आसपास होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली है तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एवरेज आउट एंट्री होगी वो 30,000 के आसपास होगी। हमें 35 पे भी नहीं लेना है, हमें 32 पे भी नहीं लेना है, क्योंकि 35 से भी अगर ये वापस ऊपर आएगा तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट में आ सकते हैं वापस, ठीक है। लेकिन एवरेज आउट के लिए ये एक रेंज बढ़िया रहेगी और अगेन सपोर्टिंग लाइन यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें एक दिखा रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एक बताता हूँ इंडिकेटर जो फ्रीली अवेलेबल है ऑन ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीमार्कर कहते हैं। डीमार्कर इज नथिंग बट ये RSI की तरह होता है और यहाँ पे भी जैसे RSI में 0 to 100 होता है तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक है और इन बिटवीन पॉइंट्स के अंदर डिवाइड है।
जो ओवरबॉट लेवल है उसको एक डिफॉल्ट है 0.7 बताया है, और कह सकते हैं कि जो ओवरसोल्ड है उसको डिफॉल्ट 0.3 बताया है। अब यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट पकड़ा है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉप है, ये टॉप लगा, ये नीचे आया तो नीचे आया, ये टॉप बॉटम, तो इस हिसाब से पूरा परफेक्ट बता रहा है। ठीक है, ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊँगा इसके अंदर, आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई राइट नाउ हमारा जो एक ओवरसोल्ड लेवल है 0.06 के आसपास है, और अभी तक हम पूरा मार्केट को यहाँ पे स्क्वीज़ करते हैं, 2018 से भी हम स्क्वीज़ करते हैं, तो वी आर वेरी वेरी और ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.03। ठीक है, यहाँ पे है, ये कह सकते हैं एकदम नीचे बॉटम आउट लेवल पे है। तो यहाँ से मुझे एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि और इंतज़ार करने से अच्छा आए या ना आए, क्या पता यहाँ से 48 आ जाए, 50 आ जाए, तो दिल में एक थोड़ी सी वो होगी कि यार हमने वो मिस कर दिया। तो ऐसा ना हो, मैं तो अपने यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, इट जस्ट माई ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और प्राइस नीचे भी आ जाए, बट नीचे आएगा तो मैंने अपना प्लान पूरा सेट करके रखा है दैट आई एम गोइंग टू एवरेज आउट एट 30 के आसपास। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ज़्यादा चार्ट्स के ऊपर तो लेके नहीं चलूँगा, ओके। अब यहाँ पे हम बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, और अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फियर है वो एकदम टॉप लेवल पे है यहाँ पे, ओके, और रेड 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 पूरा चल रहा है, यहाँ पे भी रेड है, बट इसको इतना ज़्यादा हम महत्व नहीं दे सकते क्योंकि हमने देखा है कि रेड के बाद और भी नीचे रेड चला है, बट जस्ट ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में पैनिक है नहीं है, वो एक हमें चीज़ यहाँ पे बताती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सट्रीम फियर है वो कल तक 15 के आसपास था, राइट में वापस 23 के आसपास आई है, मतलब लोगों की यहाँ पे कुछ बाइंग तो यहाँ पे एक स्टार्ट हो रही है। 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उसका हीट मैप है, ठीक है, वो क्या बता रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है जो चार्ट पे हमें दिख रहा है, जस्ट ये हम एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, ज़्यादा ठंडी है या ज़्यादा गर्मी है। ये हमें यहाँ पे ये चीज़ बताता है कि जो जब रेड आता है, रेड बॉल्स दिखते हैं इसके अंदर, दैट इंडिकेट्स कि मार्केट ज़्यादा हीटअप हो चुका है, नीचे आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर है, डैट मीन्स कि मार्केट थोड़ा सा भी संभल सकता है, ओके। सो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस ये पूरा ओवरऑल मार्केट का हम यहाँ पे नज़ारा देखते हैं, तो BTC 41,820 के आसपास है और 42,000 के आसपास मेरे ख्याल से मिडनाइट के आसपास इसने टच किया था, सोल 135 के आसपास आ चुका था। BNB की बात करते हैं तो BNB मेरे हिसाब से रात को 2 बजे के आसपास 416 के आसपास आया था, 411 के आसपास आया था, और मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे कहा था कि ये जो एक रेंज है एज पर फिबोनाची रेशियो एक बाउंस बैक हमें यहाँ से मिल सकता है, और उसके बाद से BNB राइट नाउ चल रहा है 435 के आसपास, अच्छा खासा प्रॉफिट है इसके अंदर, ठीक है। तो जो चीज़ें दिखती हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, ऑफकोर्स कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, सो आई शेयर व्हाट आई सी ऑन द चार्ट। मैटिक है 2 के आसपास चल रहा है, 1.9 के आसपास आया था और रात को आया था, तो मैंने 1.9 के आसपास भी मैटिक को यहाँ पे उठाया, 1.9 प्लस और माइनस समथिंग चले होगा शायद, तो मैंने मैटिक को भी एक रात को यहाँ पे लिया है। सो जो जो मुझे अच्छे पॉइंट्स दिख रहे हैं मैं उसको एवरेज आउट कर रहा हूँ, ताकि जब मार्केट यहाँ से चलेगा ऊपर तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एक अच्छे खासे प्रॉफिट को अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट BTC क्रिप्टो मार्केट क्या है क्या नहीं है। तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।